हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टाइनी एडवेंचर्स। आज संडे है तो लगभग 2 हफ्तों से कहीं नहीं निकल पाए थे। पूजा से दुर्गा पूजा था, दशहरा था, उसके बाद लक्ष्मी पूजा था, तो ये चक्कर में कहीं निकल नहीं पाए। तो आज थोड़ा प्लान किया है, संडे आउटिंग करते हैं। ज़्यादा कुछ प्लान मतलब ऐसा भी कुछ प्लानिंग नहीं है फिलहाल। तो सोच रहे हैं कि दार्जिलिंग के रूट पर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे नहीं पता। मेरे साथ मेरे एक और दोस्त जाएंगे दीप, तो मिलने का प्लान 7 o'clock का है। मैं थोड़ा बिहाइंड शेड्यूल चल रहा हूँ, जैसे अभी तक बिहाइंड शेड्यूल नहीं हुआ हूँ, 6:51 ही हो रहा है टाइम। बट ऐसा है कि मुझको थोड़ा हमेशा टाइम पर रहना पसंद है। तो सिक्किम पे तो जा नहीं सकते अभी, बिकॉज़ सिक्किम का जो रूट है, जा नहीं सकते बोलना भी गलत है, जा सकते हैं। बट सिक्किम में ऐसा है कि अभी रास्ता बन रहा है, क्योंकि फ्लड में सारा धुल गया था, तो थोड़ा बहुत रास्ता अच्छा है, थोड़ा बहुत बुरा है। अब हम लोग जाएंगे, हम लोग सिक्किम भी घुसेंगे आते वक्त, मोस्ट प्रोबेबली आते वक्त हम लोग सिक्किम होके आएंगे। अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम लोग दार्जिलिंग का रास्ते जाएंगे, शायद घूम घूम तक जाएंगे शायद, और उसके बाद वहाँ से सिक्किम का रूट पकड़ लेंगे। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक पता है 29 माइल पर रास्ता बह चुका था, तो वहाँ पर क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर भी जाना है, एक बार देख के आना सिक्किम का भी हालत। एंड जैसे हम लोग का गुड़ुंगमा लेक का प्लान था कुछ दिनों पहले, कि सोचे थे गुड़ुंगमा लेक जाएंगे इन दिवाली, बट वो भी शायद पॉसिबल नहीं है, बिकॉज तुंग और चुमतांग का जो रास्ता है वो ख़राब है। तो सोच रहे हैं क्या करें, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे। मैं किटअप करता हूँ फटाफट। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा किटअप हो चुका है। जैसे मैं अपना आज ज़्यादा किटअप क्या मतलब किटअप भी बोलना भूल होगा, जो किटअप भी बोलना गलत होगा, जस्ट मैंने जैकेट लगा लिया है और ज़्यादा कुछ नहीं लगाएंगे। थोड़ा मैंने अंदर का इनर भी पहन लिया, बिकॉज नवंबर का महीना है तो पहाड़ में क्या होता है ना, पूरा ठंड हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा इनर भी लगा लिया। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो टैंक बैग कैरी कर रहा हूँ, उसमें डाल लूँगा। तो चलिए पहले गाड़ी में चलते हैं, फटाफट अभी निकलते हैं यहाँ से। मुझको ऑलरेडी आई एम लेट, लाइक 10 मिनट यहीं पर, 7:10 हो गया। तो फिर मीटअप पॉइंट पर भी मिलना है, 7 बजे मिलना था, मैंने फ़ोन कर दिया कि मुझको 15 मिनट लेट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो भाई निकल चुके हैं घर से। मेरा ओडोमीटर पर जो वॉच है वो टाइम गलत दिखा रहा है, ये मुझको ठीक करना पड़ेगा। कैफे पे रुक के बाद में कर लूँगा, अभी तो जैसे इमरजेंसी नहीं है, इसका कहीं भी कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए निकल पड़े, संडे का दिन डॉन बॉस्को का बस क्यों है मुझे नहीं पता। संडे के दिन डॉन बॉस्को का बस है, ये सुबह सुबह का जो हल्का सा ठंडा हवा लगता है ना यार, ये दिल को छू जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ही दिल को छू जाने वाला है। फिलहाल तो कुछ खास लेट नहीं हुआ हूँ मैं, बट फिर भी 7:15 हो गया, समझ लो मुझको जाके 10 मिनट मैक के लिए भी वेट करना पड़ेगा। ऐसा है कि मैंने उसको बोला था कि यार जब निकलेंगे तब फ़ोन कर दूंगा, तो मैं निकल गया, मैं तो पहुंच जाऊंगा, उसको भी निकलने में 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो तो ऊपर नीचे आगे पीछे अपना चलता रहेगा। भाई जो भी हो, आज बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज लगभग 2 वीक से कोई राइड नहीं हो पाया था। पहले तो प्लानिंग हमारा बहुत कुछ था, जैसे मेरा दशहरा का जो प्लानिंग था बहुत ज़बरदस्त था, बट अपने जो ग्रुपमेट्स थे जो लोग जा रहे थे, उसमें से एक एक बंदा था जिसके फादर के साथ थोड़ा हादसा हो गया, तो उसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए, बिकॉज अच्छा भी नहीं लगता और ऑकवर्ड भी हो जाता है अगर ग्रुप में किसी के फैमिली मेम्बर्स के साथ, जैसे उसके फादर को स्ट्रोक हो गया था, हार्ट स्ट्रोक हो गया था, तो फिर हम लोगों ने वो पूरा टॉपिक ही ड्रॉप कर दिया और पूरा प्लान ही ड्रॉप कर दिया, बिकॉज पूरा ही ऑकवर्ड हो गया था, तो उसकी वजह से जा नहीं पाए। और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर का प्लानिंग लगा रहे थे, लेकिन पूरा ही मतलब कुछ भी नहीं हो पाया। पूरा का पूरा दशहरा का जो मेरा 10 दिन की छुट्टी थी मेरी, वो सारा का सारा एकदम बिगड़ गया। वो तो यहीं पे पूजा घूम घाम के ख़त्म कर दिया हमने। अब कल परसों से एक्चुअली प्लानिंग कर रहे हैं कि संडे का दिन निकलते हैं कहीं पे, बिकॉज ऐसे नहीं रहा जाता यार। तो फिर चलते हैं खूबसूरत वादियों की तरफ। और ये अपना आ गया मैक भाई, थोड़ा वेट कर रहा था, वेट करते करते मैं गेम खेल रहा था, वेट करते वक्त थोड़ा गेमिंग हो गया अपना, गेमिंग क्या जस्ट लॉग चेक इन वगैरह।
चलिए फिर निकलते हैं। चल भाई। तो चलो चले हम पहाड़ों की ओर। बहुत से लोग थोड़ा जो व्लॉग पे देखते होंगे तो शायद अजीब लगता होगा कि हम लोग हमेशा एक ही रास्ता क्यों पकड़ते हैं, बट पहाड़ जाने के लिए दो तीन ही रास्ते हमारे पास। जो मेन जो है, एक तो हो गया अपना ये वाला जो ये स्ट्रेट कनेक्ट हो जाता है कैलिंगपोंग सिक्किम की तरफ, और एक दूसरा आ जाता है आपका दार्जिलिंग का रूट जो हो जाता है वो आपका सुकना होते हुए जो दार्जिलिंग चला जा रहा है। तो ये दो रास्तों में ही हमें जाना है। एक दो अलग अलग रास्ते हैं इधर उधर से, लेकिन वो भी वहीं पे कनेक्ट होते हैं आखिरकार। किसी चीज़ का रैली निकला हुआ है। बहुत छोटी सी रैली है यार। मैंने बहुत अच्छा किया कि जैकेट के अंदर का इनर लगा लिया, बिकॉज जो ठंड हवा लग रही है ना अभी, बहुत फाड़ के हवा लग रही है ठंड का। और सुबह सुबह है ना, 7:30 बज रहे जैसे अभी, तो बहुत ही तगड़ा हवा लग रहा है। जबरदस्त नाका चेकिंग चल रही है पीछे, जबरदस्त। ये लो भाई, आ गए हम पहाड़ की गोदी में, एकदम पहाड़ की गोद में आ गए। जस्ट सेवक पहुंचने वाले हैं पहले, लेकिन हमें एक फ्यूल स्टॉप चाहिए, बिकॉज हाफ टैंक है तो टैंक फुल करा लेते। रास्ते का पता नहीं, जब तक दिल चाहेगा गाड़ी चलाएंगे। काली छोड़ा में रुकते, काली छोड़ा वहाँ पे मैगी वगैरह मिल जाता है, मैगी वगैरह मिलता है वहाँ पे। वो दो तीन दुकान है वहाँ पे, वहीं पे हम देख लेते हैं कुछ। देखो भाई फोटो सेशन चल रहा है आगे। तो ये जो तीस्ता डैम है, यहाँ पे भी कुछ शायद तोड़फोड़ हुआ था बिकॉज ऑफ फ्लड। तो मुझको एग्जैक्टली एक्सटेंशन में नहीं पता, डैमेज कितना हुआ था एग्जैक्टली नहीं पता मुझको, बट थोड़ा बहुत डैमेज सारे डैम्स में हुआ था, जिसकी वजह से सारे डैम्स अभी एक्चुअली फुली ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है। उसके वजह से आपका तीस्ता का जो पानी वाटर लेवल है तकरीबन 6-7 फीट ऊपर है अभी भी। जब बाढ़ जब हुआ तब तो ऑलमोस्ट 15-20 फीट ऊपर था पानी। अच्छा यहाँ पे रुकना है हमें। ब्रेकफास्ट पॉइंट पे आ गए हैं हम लोग। उस तरफ लगाएंगे गाड़ी, यहाँ पे तो लगा नहीं सकते। कि हम लोगों को कालीझड़ा में कुछ नहीं मिला था, पर यहाँ पे एक छोटा सा होटल मिल गया, शेरपा होटल। तो मैग जाके पूछ के आया, वहाँ पे मैगी मिल जाएगा तो मैगी खाते। तो जैसे शेरपा होटल में आए तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा, अभी मैगी मिल रहा है, साथ में अंडा हमने बोल दिया था मैगी के साथ।
तो ये हमारा खाना भी आ चुका है, बहुत देर एक्चुअली वेट करना पड़ा, 10 मिनट हम लोग अड्डा गप्पे मार रहे थे दोनों बैठ के भाई। तो देखिए ये अपना मैगी चल रहा है और बहुत बढ़िया सा छोटा सा, मैं बहुत बढ़िया होटल है एक्चुअली। नीचे की तरफ एक बेसमेंट फ्लोर भी है, वहाँ पे भी सीट्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन बहुत बढ़िया लगा मुझको। तो अभी मैगी खाते हैं फटाफट, उसके बाद बात करते हैं। तो भाई अपना मैगी हो गया कंप्लीट, अब चाय के बगैर मैगी या कोई भी ब्रेक हमारा कंप्लीट होता नहीं है। तो एक कप चाय मंगा लिया हमने, चाय भी डन, अब हम लोग बस निकलेंगे। अब चाय हो गया अपना और एक ब्रेक भी हो गया, अब निकलेंगे यहाँ से। अभी बज रहा है 9 बज रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है कि टाइम पे चलना है, ऐसा वाला कुछ नहीं है कि कोई रश नहीं है, आराम से दोनों भाई निकले हैं। दिन भर घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे, रात तक घर घुसेंगे। आज खुला छूट मिल गया जिसका वाइफ, कल हम भी ये लोग कल मेरे घर आया था, मेरे घर में थोड़ा फंक्शन था, तो इसका वाइफ बोल रहे हैं, मेरे वाइफ को बोल रहे हैं कि तुम मना क्यों नहीं करते, ये लोग अकेले अकेले आते हैं, हम लोग को नहीं लेके जाते हैं। बट यार दोनों भाई मिलके घूमने का जो मज़ा है ना, वो वाइफ के साथ नहीं आता, और वाइफ के साथ फैमिली वाला जो मज़ा है वो अलग है, ठीक है, वो भी अलग है। जैसे मैं अपने वाइफ को लेके कुछ दिनों पहले पेलिंग से घूम के आया हूँ, वो वाला मज़ा बिल्कुल अलग है, और ये वाला भाई दोनों भाई मिलके निकले हैं, चलो भाई दिन भर घूमेंगे मौज करेंगे मस्ती करेंगे, वो वाला मज़ा बिल्कुल ही अलग लेवल पर होता है। मेरा बाल बिल्कुल चिपकू चिपकू हो गया, मैंने एक्चुअली अपना हेयर स्टाइल चेंज किया रिसेंटली, ये बाला कलावा लगाया हुआ था, इसकी वजह से बाल का हालत बहुत ही अजीब हो गया मेरा बाल का हालत। चलो कोई नहीं, निकलते हैं अभी, चाय ख़त्म करते हैं, चाय ख़त्म करके यहाँ से निकलते हैं, निकल के चलते हैं कहाँ जाना है यहाँ से। अब यहाँ से हम जाएंगे रंबी से काटेंगे मंकू के लिए, मंकू होते रंबी से मंकू, मंकू से फिर आगे पता नहीं कुछ यार, उतना नहीं यार। जितने भी सिलीगुड़ी के लोग हैं उनका एक बेनिफिट या प्लस पॉइंट ऐसा है कि दुनिया भर से लोग ये सब देखने के लिए आते हैं, और हम लोग वहीं पर रहते हैं जहाँ पर सब लोग देखने के लिए आते हैं, और सिलीगुड़ी के आसपास इतने देखने वाली जगह है कि मैं आपको गिनती भी नहीं करा सकता। हम लोग खुद भी एक्चुअली सारे स्पॉट्स नहीं देख पाए, इतना साल से राइडिंग कर रहे हैं, और लाइक मतलब चप्पा चप्पा लोग जैसे बोलते नहीं, लेकिन अभी भी पहाड़ी का चप्पा चप्पा नहीं देख पाए हैं। तो उम्मीद है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग का जो पहाड़ी है, कालिम्पोंग का जो पहाड़ी है, इवेंचुअली सारा ही एक्सप्लोर कर लेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने मोंगपू का रास्ता पकड़ लिया, ये नीचे से इस तरफ से कालिम्पोंग जाता है और यहाँ से मोंगपू जाता है, तो अभी हम लोगों ने मोंगपू का रास्ता पकड़ लिया है। ये रास्ता पे मैं पहले नहीं जा चुका हूँ, तो देखते हैं। तो चलो मज़ा आएगा अभी, क्योंकि ये रास्ते पे कभी नहीं गया मैं, यहाँ से कहाँ कनेक्ट होता वो भी मुझे नहीं पता। तो सामने मैक है गाइड का जैसा, वो मुझको गाइड करके लेके जा रहा, मैं भी जा रहा हूँ। तो अपना छोटा मोटा एक एडवेंचर हो गया, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम के साथ बहुत मैच हो जाएगा, बिकॉज माई टाइनी एडवेंचर्स, और ये मेरा छोटा सा एडवेंचर है। लेफ्ट में देखिए कितना बढ़िया पहाड़ी और वैली का जो व्यू आ रहा है, पूरा जो वैली है उसका व्यू ही मस्त आ रहा है यहाँ से। यही नज़ारे देखने के लिए तो हम भागे भागे फिरते हैं इधर से उधर। यही नज़ारों के लिए दुनिया पागल है। देखो अभी जो हालत है, पूरे पहाड़ी में हर जगह पे फूल खिले हुए हैं, देखिए ये जो गेंदे के फूल हैं हर जगह पे खिले हुए हैं, जहाँ भी जाओ फूल 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 दिख रहा है। मैं आज वो जो पूरा पीछे का एरिया था वो फूल से पूरा भर गया, ये देखो सारे जगह पे फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे मंकू में एक रविंद्र भवन है, जहाँ पे हमारे जो कवि गुरु है रविंद्रनाथ टैगोर, वो कुछ टाइम रह चुके हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक भवन जैसा है उनके लिए डेडिकेटेड, एक छोटा सा म्यूज़ियम भी नहीं बोल सकते बट डिस्प्ले है, तो वहाँ पे भी जाएंगे आज। इधर से जब घुसे हैं तो उधर भी ज़रूर घुसेंगे, यही होगा।
पूछ के आ जाऊँ, पूछ के आ जाऊँ। सामने देखो ना, कहाँ सामने? वहाँ पे भी लोग हैं। रुकना, यहाँ पे भी लोग होगा ना कोई? थोड़ा सा वो गेट खुला है तो अरे वाह क्या लग रहा है। देखिए ट्री हाउस जो बना हुआ है, दोनों पेड़ के बीच में उसके सहारे बना हुआ है ट्री हाउस। बहुत शानदार लग रहा है भाई। यहाँ पे रहने देते हैं? एक समझ लीजिए यहाँ पे एक इवनिंग बिताओ पेड़ के ऊपर खड़े होके, ये जो ट्री हाउस है उसके बालकनी से खड़े होके एक कप कॉफ़ी पियो, बहुत ही बढ़िया लगेगा। एक दो और फोटो निकाल लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग अभी जो रविंद्र भवन का जो म्यूज़ियम है वहाँ पे आ गए। अब अंदर जाएंगे अभी थोड़ी देर में। टिकट्स हमने निकाल लिया है, 25 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। अंदर में फोटोग्राफी एंड कैमरा अलाउड नहीं है, जो दीदी ने हमें यहाँ पे टिकट लिया। और ये है जो टिकट जैसे दिख रहा है, क्योंकि गेट पे बोल रहे थे, गेट पे लिखा हुआ है, एक नोटिस लगा हुआ है कि टिकट को यहाँ वहाँ ना फेंके और जाते वक्त टिकट को साथ में लेके जाए। तो हमने सोचा भाई कितना बढ़िया टिकट होगा कि साथ में लेके जाना है, तो चलो कोई बात नहीं, वो तो लेके चले जाएंगे साथ में। एक्चुअली यहाँ पर रिटर्न नहीं करने बोल रहे कि गंदगी मत करो यहाँ पे, उसके वजह से। अब दीदी से जो है यहाँ पे जो काउंटर वाली दीदी थी उनसे पूछा, जो ट्री टॉप है, ट्री टॉप हाउस जो है वहाँ पे भी रह सकते हैं, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ ट्री टॉप हाउस इतना, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अंदर तो शायद जाने नहीं देंगे, लेकिन एरिया जो है अच्छा है, बैठ सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया मुझको लगा एरिया। और यहाँ से आपको मैं थोड़ा पहाड़ी का भी व्यू दिखाता हूँ, बिकॉज़ यहाँ से पहाड़ी बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैं सामने की तरफ करता हूँ, आप लोग देखिए, ये देखो क्या खूबसूरत दिख रहा है पहाड़ी अपनी। और ये है म्यूज़ियम। तो भाई ऐसा है कि हम लोग अंदर गए, पूरा घूम के आए, बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट का जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे, जो ट्रिब्यूट हाउस जैसे बोल सकते हैं, एक मेमोरेबिलिया जैसा है उनका, उनके लाइफ का बहुत सारे फैक्ट्स लगे हुए हैं, कुछ वर्क्स हैं जो लगे हुए हैं, एंड जहाँ पे रहे हैं, जहाँ पे वो सोते थे, जो ये यहाँ पे एक्चुअली वो 3-4 बार आ चुके हैं, तो वो सारा सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सरीन, काम और पीसफुल वाला, अपने दिल को सुकून देने वाला चीज़ है। बंगालीज़ के लिए थोड़ा और ज़्यादा हिस्टोरिक एंड महत्वपूर्ण चीज़ है ये बात, तो जो भी है अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप लोग इस तरफ आ रहे हो, मंगपू आ रहे हो, तो ज़रूर आइए। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो हमने अंदर मैंने फ़ोन निकाला नहीं और कैमराज भी नहीं निकाला, तो ठीक है, अच्छी बात है। ये देख सकते हैं सामने यहाँ पे एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे घुसते साथ रविंद्रनाथ टैगोर का जो चेयर था और उनका जो फोटोग्राफ रखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझको यहाँ पे। तो फिर चलते हैं अभी, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकल के अभी कहाँ जाना है मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। मंगपू से हम लोग बताशिया लूप की तरफ जाने वाले हैं, तो निकलते हैं यहाँ से, यहाँ से निकल के फिर गाड़ी पर मिलते हैं आपसे।